मैं हूं अदीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मिसिसागा में मंदिर के बाहर भारतीय वजीर आजम के खिलाफ नारे दर्ज। भारतीय कौंसुलेट जनरल का कहना था कि कनाडा के हुकाम से इस वाकये की तहकीकात करें। भारतीय कौंसल खाने का वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। ईरानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि अमरीका और कैनेडा में मौजूद ईरानी बाशिंदों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत या इनके हामियों की कैनेडा में कोई जगह नहीं है। कैनेडा की वफाकी हुकूमत के गैर मुल्की एजेंसियों के साथ तहकीक पर पाबंदी। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए खतरा समझे जाने वाले इदारों के साथ पॉलिसी सख्त कर रहे हैं। हसास रिसर्च एरिया को कैनेडा की जानिब से फंड नहीं दिया जाएगा। ईरान मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। अमरीका का कहना है कि ईरान की सरगर्मियों को रोकने के लिए इत्तेहादियों का किरदार अहम है। ईरान की जानिब से हौसी मलेशिया को इसलाह की फरामीक अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। यूक्रेन की हिमायत में इजाफा, अपना दिफा मजबूत किया जाएगा। नेटो का यूक्रेन के दिफा को मजबूत करने के लिए मजीद हथियारों की फरहमी का ऐलान। नेटो चीफ ने यूक्रेन को इमदाद फराहम करने पर शराकत दारों का शुक्रिया भी अदा किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा के शहर मिसिसागा में एक मंदिर के बाहर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत हिंदुओं से मुतालिक बाज़ मुतनाज़ा नारे लिख दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के मिसिसागा में 14 फरवरी मंगल के रोज एक राम मंदिर के बाहर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत हिंदुओं से मुतालिक बास मुतनाज़े नारे लिख दिए गए। टोरंटो में वाकिया राम मंदिर की दीवारों पर मुबैना तौर पर भारत मुखालिफ जुमले लिखे गए हैं। टोरंटो में भारतीय कौंसल खाने ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नामालूम अफराद ने मंदिर की दीवार पर भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लिखे और भारतीय रियासत पंजाब को एक अलहदा रियासत बनाने की खालिस्तान तहरीक के मारूफ आजहानी रहनुमा भंडरावाले की तारीफ की। मंदिर की दीवार पर सियाह रंग में मोदी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, सुन्नत भंडरावाले शहीद हैं और भारत मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे हैं। इस कार्रवाई की मुज़म्मत करते हुए भारतीय कौंसुलेट जनरल ने एक बयान जारी करके कहा, हम मिसिसागा में राम मंदिर को भारत मुखालिफ ग्राफ्टी के साथ बदनाम करने की कोशिश की सख्त मुज़म्मत करते हैं। हमने कनाडा के हुकाम से इस वाकये की तहकीकात करने और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने इसे मुमकिन नफरत अंगेज जुर्म करार दिया और कहा कि हुकाम इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पुलिस इस मुमकिन नफरत अंगेज जुर्म को बहुत संजीदगी से ले रही है और वो जिम्मेदारों को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। कैनेडा में मजहबी आज़ादी एक आइनी हक है और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए ऐसा वो सब कुछ करेंगे जिससे हर कोई अपनी इबादत गाह में महफूज महसूस कर सके। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत अमरीकी शराकत दारों और कनाडा में मौजूद ईरानी बाशिंदों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि ईरान की हुकूमत से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा सके। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत
अमरीकी शराकत दारों और कनाडा में मौजूद ईरानी बाशिंदों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि ईरान की हुकूमत से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा में काम करने वाले 3 ताजरों के बारे में मीडिया रिपोर्ट का जवाब दे रहे थे जिन्हें अमरीका में संगीन इल्जामात का सामना है। उन पर ईरान पर अमरीकी पाबंदियों से बचने की साजिश करने का इल्ज़ाम है। अप्रैल 2021 में एक अमरीकी फर्द जुर्म में सलीम हेनरिक, खलील हेनरिक और सईद तौराब अब्तही पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कम से कम 7 दीगर अफराद के साथ एक स्कीम में किरदार अदा किया था जो अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान की जानिब से 750 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की लेन देन को छुपाने के लिए थी। ताजिर उन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हैं और टोरंटो में रियल इस्टेट की दुनिया में खुद को ऑनलाइन प्रोफेशनल के तौर पर फरोख दे रहे हैं। ट्रूडो ने हुकूमत के इकदाम का दिफा करते हुए उन पाबंदियों का हवाला दिया जो उसने ईरानी अफराद और इदारों पर खजा के बाद से आयद की है। ईरानी कैनेडियन हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कैनेडा ईरानी हुकूमत के कारोबारी लेन देन के लिए महफूज पनागाह नहीं है, हुकूमत के इकदाम न होने के बराबर है। ट्रूडो ने कहा, जाहिर है हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि इसका सही तरीके से निफाज हो, इसलिए हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर कनाडा आने या यहाँ पनागाहें तलाश करने पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आयद है। कनाडा की वफाकी हुकूमत गैर मुल्की एजेंसियों के साथ तहकीक पर पाबंदी लगा रही है जिन्हें सिक्योरिटी के लिए खतरा समझा जाता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत गैर मुल्की एजेंसियों के साथ तहकीक पर पाबंदी लगा रही है जिन्हें सिक्योरिटी के लिए खतरा समझा जाता है। वफाकी हुकूमत गैर मुल्की इदारों के साथ जो कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकती है, बैंक रोलिंग रिसर्च पर अपनी पॉलिसी को सख्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। हुकूमत का कहना है, एक हसास रिसर्च एरिया को फंड नहीं दिया जाएगा अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल कोई शख्स किसी यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट या लेबॉर्ट्री से मुंसलिक है जो फौजी, कौमी दिफा या गैर मुल्की ताकतों के रियासती सिक्योरिटी इदारों से मुंसलिक है जिसे खतरा समझा जाता है। मंगल को देर गए एक बयान में इनोवेशन, सेहत और पब्लिक सेफ्टी के वज़रा ने कहा कि नई पॉलिसी कनाडा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन और कनाडा की वफाकी रिसर्च ग्रांटिंग काउंसिल्स पर लागू होती है। उनमें सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटेरियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा, नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा और कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च शामिल हैं। वज़रा का कहना है कि इस पॉलिसी पर तेज़ी से अमल दरामद किया जाएगा और वफाकी महकमों, कौमी सलामती के इदारों और रिसर्च कम्युनिटी के साथ करीबी मशावरत से इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इनोवेशन के वजीर का कहना था कि कनाडा को दुनिया के साथ खुली आंखें रखने की जरूरत है। उन्होंने नामा निगारों को बताया कि जब हसास तहकीक की बात आती है तो मेरे ख्याल में हम सबको मजीद कुछ करने की जरूरत है। ताज़ा तरीन इकदाम के हदफ के बारे में पूछे जाने पर उसने इजाजत दी कि वो चीन और दीगर के बारे में थे और ये रूस भी शामिल हो सकता है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के कमांडर ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ईरान की जानिब से हूसी मलेशिया को हथियार भेजना सलामती कौंसिल के करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका ने ईरान को मशरक वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कॉरेला ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ईरान की जानिब से हौसी मलेशिया को हथियार भेजना सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी कमांडर का मजीद कहना था कि ईरान का ये अमल अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। ईरान की जानिब से असलहे की तरसील रोकने और ईरान की सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों का किरदार अहम है। ईरान के लिए अमरीका के खसूसी एलची रॉबर्ट मैले ने भी बयान में कहा कि खत्ते में और रूस की जानिब से यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं। ऐसा ईरानी हुकूमत की जानिब से तरदीद के बावजूद हो रहा है। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। दूसरी जानिब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मालियाती वफ्द के हमरा 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंचे जहां उन्होंने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की जिसमें जौहरी तवानाई और यूक्रेन जंग समेत अहम आलमी इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ये मुल्क में 20 साल बाद पहले ईरानी सदर का दौरा है। सदर शी जिनपिंग ने ईरान की चीन के साथ यकजहती को सराहते हुए कहा कि तारीख में मौजूदा पेचीदा तब्दीलियों के तनाजर में चीन और ईरान ने एक दूसरे का साथ दिया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी चीन के साथ ताल्लुकात को खुशगवार करार देते हुए कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन और ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम और मजबूत होगा। ईरान के सदर का ये दौरा उस वक्त सामने आया है जब यूक्रेन पर रूस के हमले पर मगरबी ममालिक ने ईरान पर रूसी फौज को मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया है और कमोबेश यही इल्ज़ाम चीन पर आयद किया गया था।
रूस यूक्रेन जंग के अलावा भी दोनों ममालिक को अपनी पॉलिसियों की वजह से अमरीका और दीगर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से मौशी पाबंदियों का भी सामना है। इस वजह से दुनिया में चीन, रूस और ईरान का एक नया ब्लॉक बनता नजर आ रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के रुकन ममालिक यूक्रेन की हिमायत में डट गए। नेटो ममालिक के वज़रा दिफा ने रूस को सबक सिखाने की ठान ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक यूक्रेन की हिमायत में डट गए। नेटो ममालिक के वज़रा दिफा ने रूस को सबक सिखाने की ठान ली। जंग में रूस की शिकस्त को यकीनी बनाने और यूक्रेन के दिफा को मजबूत करने के लिए मजीद भारी हथियारों की फराहमी और फौजी तरबियत देने का ऐलान कर दिया। नेटो हेडक्वार्टर्स बर्सल्स में सेक्रेटरी जनरल येन स्टोल्टनबर्ग ने वज़रा दिफा के दो रोज़ा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन के लिए किए गए तआवुन के वादों का खैर मकदम किया और यूक्रेन को खुराक, ईंधन, तिब्बी सामान, एंटी ड्रोन सिस्टम, पानी और खुश्की पर बांधे जाने वाला पुल फराहम करने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत बर्सल्स में मुनाक़िदा इजलास में नेटो ममालिक के वज़रा दिफा ने दिफाई सनअती सलाहियत को बढ़ाने और अपने असलहे और गोला बारूद के जखीरे को भरने के तरीकों पर भी बात की और वज़रा ने खतरे से दो चार दीगर शराकत दारों बोस्निया, जॉर्जिया और मालदोवा के लिए तआवुन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि रूस के जारहाना रवैये, दहशतगर्दी के मुसलसल खतरे और चीन की तरफ से दरपेश चैलेंजेस के बायस नई दिफाई मंसूबा बंदी बनाई गई है। इसके साथ ही वज़रा ने खतरे से दो चार दीगर शराकत दारों बोस्निया, हर्जिगोविना, जॉर्जिया और मालडोवा के लिए तआवुन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबर्क ने स्विट्जरलैंड को यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली जर्मन साख्ता तैयारा शिकन तोपों के लिए असलहा फराहम करने से इनकार करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम स्विट्जरलैंड के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि स्विट्जरलैंड असलहा फराहम क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ ममालिक के पास अब भी जंगी साजो सामान मौजूद है लेकिन वो तारीखी वजूहात की बिना पर यूक्रेन को फराहम करने से गुरेजा हैं। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान अदीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।